नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में बात करते हैं सबसे पहले सुशांत कुष्ठ निवारण दिवस पर सार्थक मानव कुष्ठा आश्रम जयपुर कार्यक्रम की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन है। और देखिए, इस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत जो है संबोधित करेंगे। कुष्ठा आश्रम जयपुर का कार्यक्रम है पूरा और सीएम यहाँ पर संबोधित करेंगे तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो सुशा कुष्ठ निवारण दिवस पर सार्थक मानव कुष्ठाश्रम जयपुर कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है और सीएम अशोक गहलोत यहां पर संबोधित कर रहे हैं। हम लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो देखिए, सुशा कुष्ठ निवारण दिवस पर सार्थक मानव कुष्ठाश्रम जयपुर का ये कार्यक्रम किया जा रहा है और सीएम अशोक गहलोत यहां पर संबोधित कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देखेंगे अपने टीवी स्क्रीन पर। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं और संबोधन यहां पर उनका देखा जा रहा है। तो देखिए, कुष्ठ निवारण दिवस पर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और सीएम अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत जो हैं तमाम लोगों को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में सीएम पहुंचे हैं। आपसे हम आपको कुछ देर में तस्वीरें दिखाएंगे, लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लौटेंगे इस खबर पर, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, सीएम का संबोधन भी आपको सुनाएंगे, क्या कुछ कहा सीएम ने इस कार्यक्रम में। बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है। जी मीडिया के ऑपरेशन पेंशन का बड़ा असर हुआ है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ गहलोत सरकार करेगी बड़ी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई यहाँ पर बयान दिया गया है। रिश्वतखोरों के खिलाफ एसीबी में मुकदमा दर्ज होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने ये कहा है कि स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डीओआई विभाग को ई मित्रों पर कार्रवाई के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो देखिए, राजस्थान ने ऑपरेशन पेंशन चलाया और इस ऑपरेशन का बड़ा असर देखने को मिला है। असर ये कि अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ गहलोत सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। उन तमाम रिश्वतखोरों के खिलाफ जो कि हकमारी कर रहे थे, रिश्वतखोरी कर रहे थे, और अब ऐसे रिश्वतखोरों के खिलाफ एसीबी में मुकदमा दर्ज होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा है कि स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। और इसको लेकर आपको बता दें कि निर्देश भी दे दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी देंगे इसी खबर पर सहयोगी आशीष इस वक्त मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष जी, राजस्थान ने ऑपरेशन पेंशन चलाया और इस ऑपरेशन का असर ये कि सरकार एक्शन में आई है और साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए उन तमाम घूसखोरों के खिलाफ जो कि घूसखोरी कर रहे थे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसमें सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी और मंत्री टीकाराम जूली ने इस बात के लिए कहा है कि इन रिश्वतखोरों के खिलाफ सरकार पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई करेगी और सरकार लगातार पूरी तरह से इस मामले को लेकर सख्त नज़र आ रही है और ऐसे रिश्वतखोरों के खिलाफ जो है एसीबी में भी मुकदमा दर्ज होगा। टीकाराम जूली ने ये कहा है कि जो डीओआईटी डिपार्टमेंट है उसको भी पत्र लिखा जाएगा और उनको इस मामले में पूरी तरह से जो मामले में संज्ञान लिया जाएगा। और मंत्री टीकाराम जूली ने डीओआईटी डिपार्टमेंट से भी बात की है और साफ तौर पर ये कहा है कि उनके खिलाफ अब 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि निश्चित तौर पर खबर का बड़ा असर हुआ है, स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। सरकारी डिपार्टमेंट में पैसे खिलाने ही पड़ते हैं, रिश्वत देनी ही पड़ती है। न केवल इसी योजना बल्कि दूसरी योजनाओं में भी कुछ इसी तरह का जो फर्जीवाड़ा है, इसी तरह का खेल जो है वो लगातार देखने को मिलता है। और हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद में ई मित्र संचालकों में भी काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है और ऐसे जो ई मित्रों पर हम जहां पर गए थे वहां पर इनका बड़ा असर भी देखने को मिला है। और डीओआईटी डिपार्टमेंट जल्द ही इन ई मित्र संचालकों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेगा। जांच के निर्देश कल ही दे दिए थे हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद में, लेकिन अब उनके लाइसेंस पूरी तरह से निरस्त होंगे। इसके साथ साथ कल ही एसीबी ने हमारी खबर के बाद में प्रसंज्ञान ले लिया था और उसके बाद में अब एसीबी में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और मुकदमा दर्ज होने के बाद में इनकी जांच की जाएगी। और पैसे का लेन देन यहाँ पर पूरी तरह से हुआ है तो निश्चित तौर पर एसीबी इनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है और ऐसे ई मित्र संचालकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेगी जो इस तरह का खेल करते हैं। और ऐसे ई मित्र संचालकों के खिलाफ हालांकि पहले भी कड़ी कार्रवाई यहां पर की गई थी, लेकिन हमारे ऑपरेशन के बाद में निश्चित तौर पर सरकार के मामले आशीष
बिल्कुल सही कहा आपने, इस खबर पर अपडेट आपने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी आशीष इस खबर पर देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।